जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो, शौर्य चक्र अवार्डी, 3-time आयरन मैन फिनिशर और 26/11 मुंबई टेररिस्ट अटैक वॉरियर प्रवीण कुमार तेवतिया। दोस्तों, मैं आया हूं आपके सामने 26/11 की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने के लिए जिनको शायद ही कहीं पे जगह मिली हो, और ये केस स्टडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं। महत्वपूर्ण पहलू इसलिए हैं क्योंकि इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हमें ही नहीं, ये जितने भी हमारी स्पेशल फोर्स हैं उनको इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसी तरह की घटना के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। 29 नवंबर की बात है 2008, ताज होटल की। NSG की टीम, जो कि टेररिस्ट को मारने के लिए गई हुई थी, एकदम से चौंक गई। क्यों चौंक गई? क्योंकि उनके ऊपर MP5 से फायर आया। अब आप कहोगे MP5 क्या है? मशीन पिस्टल, स्मॉल आर्म वेपन है, जो कि CQB क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि AK-47 से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसकी कुछ टेक्निकल डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे देता हूँ। इसका जो टोटल लेंथ है वो लेंथ है 690 mm, बस बहुत छोटा वेपन है, और इसकी जो मैगजीन की जो कैपेसिटी है वो 30 राउंड है। वजन की बात करें तो MP5 का जो टोटल वज़न है 30 राउंड की मैगजीन लगाने के बाद, वो होता है सिर्फ़ और सिर्फ 3 किलो। बहुत ही हल्का वेपन है और मूमेंट के लिए बहुत ही इजी वेपन है। आप इसके साथ में आराम से मूमेंट बना सकते हो। इसकी जो डिस्टेंस है, मारने की जो क्षमता है, वो 200 मीटर तक है, और इसका जो बुलेट है वो 9 mm है, जो कि पिस्टल में भी यूज़ कर सकते हैं और MP5 में भी इसको यूज़ किया जाता है। बहुत ही ख़तरनाक वेपन है। उस समय पे, जिस समय पे अटैक हुआ था, उस समय पे इंडिया में सिर्फ कुछ ही स्पेशल फोर्स MP5 को रखती थी और चलाती थी। जितने भी वर्ल्ड वाइड टेररिस्ट ग्रुप हैं वो AK-47 यूज़ करते हैं, ना कि MP5, क्योंकि MP5 स्मॉल वेपन है जो कि CQB के लिए यूज़ होता है। AK-47 बहुत ही लीथल वेपन है जो कि एरिया डोमिनेट करने के लिए यूज़ होता है, जो कि मारने की जो क्षमता है AK-47 की वो ज़्यादा है, लेकिन कंफर्टेबल वेपन में CQB वेपन MP5 से बेहतर आज तक कोई डिज़ाइन नहीं हुआ है। तो NSG की टीम एकदम से चौंक गई। ये वेपन टेररिस्ट यूज़ करते ही नहीं, तो उनके पास ये वेपन आया कहाँ से? ये सवाल NSG टीम के लिए बहुत ही उलझाने वाला था। ये वेपन क्यों? कि टेररिस्ट को MP5 चलाने की भी ट्रेनिंग है, क्योंकि इसका जो ऑपरेशन है वो AK-47 से डिफरेंट है। आतंकवादियों ने NSG की टीम के ऊपर कई घंटों तक लगातार MP5 से फायर किया था, जिससे NSG की टीम ये सोचने पे मजबूर हो गई कि ये MP5 इनके पास आया कहाँ से और इनको ये चलाना कैसे आता है। ये MP5 वेपन टेररिस्ट के पास कहाँ से आया, इसकी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मैं आपके लिए 26/11 मुंबई टेररिस्ट अटैक के कुछ अनसुलझे और अनकहे पहलू आपके सामने पेश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।